हे गाइस व्हाट्स अप। सो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द गुरुकुल में। सो एप्टीट्यूड की सीरीज़ में हमने पिछले पार्ट में देखा था पार्टनरशिप का पार्ट फर्स्ट। सो इस वाली वीडियो में हम कवर करेंगे पार्ट सेकंड। ओके सो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सो हियर इज हमने एक जो फार्मूला है हमने वो पिछले पार्ट में कवर कर दिया है। सो अब कोई फार्मूला नहीं है, सीधे क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 6, ABC आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस एंड देयर इन्वेस्टमेंट्स आर इन द रेशियो 5:7:9। इफ द रेशियो ऑफ देयर टाइमिंग इज 3:4:2 फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट। तो उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है और उनका टाइमिंग का रेशियो दिया है कि मतलब समझ इसने 3x के लिए इन्वेस्ट किया है टाइम पीरियड के लिए, इसने 4x और इसने 2x टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया है, ऐसा है। सो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट, उनके प्रॉफिट का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सिंपल है, प्रॉफिट इज इक्वल टू अमाउंट इनटू टाइम। सो 5 × 3 कर देंगे, 7 × 4 कर देंगे एंड 9 × 2 कर देंगे। ओके तो 15:28:18 आ जाएगा, विच इज़ ऑप्शन ए। सो हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, PQR। ओके जस्ट एक मिनट, हाँ, PQR एंटर्ड अ पार्टनरशिप। ओके पी इन्वेस्ट 25 लाख, एड्स अनदर 10 लाख आफ्टर 1 ईयर। ओके क्यू इनिशियल इन्वेस्ट 35 लाख एंड विदड्रॉ 10 लाख आफ्टर 2 ईयर्स। आर इन्वेस्ट 30 लाख्स, इन व्हाट रेशियो शुड द प्रॉफिट बी डिवाइडेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। तो इन्होंने कितना रुपया कब कब इन्वेस्ट किया है दिया है और 3 साल के बाद उनके जो प्रॉफिट जो अर्न होगा उसका रेशियो क्या होगा तीनों का, और ये रहे 4 ऑप्शंस। तो सिंपल है, आपका करना है एक मिनट। ओके और ये रहे 4 ऑप्शन, तो करना क्या है, सिंपल है, PS2 QS2 R निकाल लेंगे। तो P ने इनिशियली 25 लाख इन्वेस्ट किया था। ओके सो 25 लाख × 1 करेंगे क्योंकि उसने 1 साल बाद 10 लाख और इन्वेस्ट कर दिए हैं। ओके सो 25 लाख 1 साल के लिए, फिर 10 लाख ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 35 लाख। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए 35 लाख इन्वेस्ट हो जाएंगे, मीन्स 1+2 3 ईयर्स हो जाएगा। अब Q की बात करें तो Q ने इनिशियली कितना 35 लाख इन्वेस्ट किया, सो 35 लाख 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया उसने, उसके बाद 2 साल बाद 10 लाख निकाल लिए। ओके सो इन्वेस्टमेंट कितना बचेगा, 35 लाख से 25 लाख आ जाएगा, और पहले 2 साल फिर 1 साल, सो 25 × 1 आ जाएगा। ओके और आर तो बहुत कांस्टेंट था, उसने 30 लाख 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया। सो अब अगर सॉल्व करेंगे तो 25 × 1 = 25 + 70 = 95। ओके 35 × 2 करेंगे तो 70 + 25 = 95 आ जाएगा एंड 30 × 3 = 90 आ जाएगा। ओके सो ये रहा उनका रेशो, विच इज 19:19:18, विच इज ऑप्शन सी। ओके सो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8, सो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस इन अ पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग ₹20,000 एंड ₹50,000 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 6 मंथ्स सी जॉइन देम विथ ₹20,000। ओके What will be B's share in the total profit earned of ₹25,000 at the end of 2 years from the starting date of the business? तो ए और बी ने 20,000 और 15,000 से बिजनेस शुरू किया और सी 6 महीने बाद उनको ज्वाइन हुआ 20,000 रुपये लेकर, और बी का शेयर इन टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹25,000 दिया है। ओके 2 साल बाद कितना है वो निकालना है। सो 4 ऑप्शंस गिवन है, अब उनका रेशो निकालते हो गए। सो अगर रेशो देखा जाए तो A:B:C निकालेंगे। सो ए का कितना आएगा, अमाउंट इंटू टाइम, अमाउंट 20,000 है और टाइम 2 ईयर्स मीन्स 24 मंथ्स। बी का 15,000 × 24 मंथ्स। सी के लिए कितना है, सी के लिए 20,000 इन्वेस्टमेंट है लेकिन उसका 6 महीने बाद ज्वाइन करता है, 6 मंथ बाद ज्वाइन किया है, इसलिए 24 - 6 करें तो 18 मंथ्स के लिए सी है। ओके सो अब इनको अगर सॉल्व करेंगे तो रेशो फाइनली आ जाएगा 4:3:3। तो ये तो रेशो हो गया। तो बी का शेयर निकालना है तो कितना करना पड़ेगा, बी का शेयर है 3 है और टोटल कितना है, 4 + 3 = 7 + 3 = 10। सो 3 of 10 ये बी का शेयर है। ओके कितने में, 25,000 में से निकालना है। सो सॉल्व करेंगे तो 7500 आंसर मिल जाएगा, विच इज़ ऑप्शन ए। अब देखते हैं क्वेश्चन 9, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ABC प्रिंट अ पैस्चर। ए पुट्स 10 ऑक्सन फॉर 7 मंथ्स, बी पुट्स 12 ऑक्सन फॉर 5 मंथ्स एंड सी पुट्स 15 ऑक्सन फॉर 3 मंथ्स फॉर ग्रेजिंग। ओके इफ़ द रेंट ऑफ द पास्चर इज ₹175, हाउ मच
मस्ट सी पे एज हिज ऑफ रेंट, तो सी का पे निकालना है. ओके सो सेम प्रोसीजर, अमाउंट इज इक्वल टू मीन्स प्रॉफिट इज इक्वल टू अमाउंट इन टाइम. सो ए के लिए अमाउंट 10 मीन्स अमाउंट नहीं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उनका ऑक्शन है एंड मंथ्स है. तो ए के लिए 10 ऑक्शन है और 7 मंथ्स है, बी के लिए 12 ऑक्शन 5 मंथ्स, सी के लिए 15 ऑक्शन एंड 3 मंथ्स है. सो अब इसे जस्ट सॉल्व करना है, सो 14:12:9 आ जाएगा. तो सी का पे निकालना है, तो सी का शेयर कितना है, 9/14+12=26, 26+9=35. सो 9/35 सी का शेयर है इनटू 175, जो कि उन तीनों ने मिलकर दिया है, टोटल अमाउंट उन्होंने पे किया है. सो इसको सॉल्व करेंगे तो 45 रुपीज़ आ जाएगा, विच इज़ ऑप्शन ए. ओके सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. पी एंड क्यू इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस, द प्रॉफिट अर्न्ड वाज डिवाइडेड इन द रेशियो 2:3. पी इन्वेस्टेड 40,000, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय क्यू, सो क्यू का अमाउंट निकालना है. सो बहुत सिंपल है, एट द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय क्यू इज इक्वल टू स्मॉल के कंसिडर करते हैं. सो अब हमको मालूम है कि प्रॉफिट अर्न्ड इज इक्वल टू क्या, उनका रेशियो ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड. सो 40,000:Q उनका इन्वेस्टमेंट है एंड प्रॉफिट 2:3 है. अब इस पर से क्यू निकालना है तो कितना आ जाएगा, मीन्स 40,000 बाय क्यू करेंगे तो 2/3 आ जाएगा. सो क्यू निकालेंगे तो 60,000 आ जाएगा, विच इज़ द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय क्यू, ऑप्शन सी. ओके गाइस, आई होप सभी को यहाँ तक क्लियर है. एंड अगर आपको कोई क्वेरीज या फिर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, जब भी टाइम मिल जाएगा हम आपकी क्वेरीज का आपको जवाब दे देंगे. एंड ओके एंड अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी नए टॉपिक पर वीडियो बनाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जिस भी टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट पड़ेंगे हम उस टॉपिक पर वीडियो लेके आ जाएंगे. एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस. एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिल जाए. ओके सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय.